दोस्तों, ना मोटी रकम खर्च करने की जरूरत, ना पार्लर जाने की झंझट। गर्दन, कोहनी, घुटने, हाथों और पाँव की सालों पुरानी जमी मैल कुचैल अब सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर साफ होगी, जिसकी वजह से आपके हाथ और पाँव बहुत ही ज्यादा व्हाइट हो जाएंगे और साथ ही साथ बहुत ज्यादा सॉफ्ट और ग्लोई भी हो जाएंगे। तो वीडियो को आपने ध्यान से देखना है, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, एज इट इज़ फॉलो करनी है, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। तो जो आपके हाथों पर सन टैन हो जाता है या पिगमेंटेशन हो जाती है या बहुत ज़्यादा डार्क नेकल्स हो जाती हैं, ये उन सब चीज़ों को ट्रीट करेगा। बहुत ही अमेजिंग सी रेमेडी है, सिंपल सी रेमेडी है, सारी चीज़ें आपको घर में ही मिल जाएंगी। चलिए जरा आप वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ग्राम फ्लोर यानी के बेसन। बेसन तो इजीली हर घर में अवेलेबल होता है, तो आपने एक चम्मच भर के बेसन का ले लेना है। ये एक नेचुरल क्लींजर है जो आपकी डर्ट और इम्प्योरिटीज़ को बहुत ही जेंटली सॉफ्टली से आपके हैंड्स और फीट में से रिमूव कर देगा। देखिएगा कैसे मैल कुचैल निकल के बाहर हो जाएगी आपके हाथ पाँव में से। तो जब आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करेंगे ना, रिजल्ट्स तो आपको तभी मिलेंगे। तो दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर चाहिए वाइट विनेगर, जो खानों में सिरका इस्तेमाल किया जाता है, जो गोश्त को गलाने के लिए हम सिरका यूज़ करते हैं, ठीक है। एक एप्पल साइडर विनेगर होता है, वो आपने इसमें ऐड नहीं करना है। यहाँ पर आपको सिरका चाहिए। और जी, मैं जैसे कि जैसी रेमेडी बताऊंगी ऐसे ही आपने यूज़ करनी है, फिर ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ये ना हो कि आप कहें हमारे पास सिरका नहीं है तो हम लीमू इस्तेमाल कर लें, लीमू नहीं है तो हम टमाटर का रस ऐड कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जैसे कि जैसी रेमेडी है ऐसे ही आपने एज इट इज़ इसको फॉलो करना है। अब नेक्स्ट चीज़ जो इसमें हमने ऐड करनी है वो है हनी। हनी क्या करेगा, हमारी स्किन को बहुत ही हद तक सॉफ्ट कर देगा। जो हाथ काम कर कर के बर्तन धो धो के बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं ना, देखिएगा इस रेमेडी के बाद बहुत ज़्यादा वाइट भी हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो जाएंगे और साथ ही साथ रिंकल्स भी ख़त्म होंगे। और इस रेमेडी के बाद 100% गारंटी है कि आपको किसी पार्लर के मैनी पेडिक्योर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये रेमेडी सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों और पाँव के लिए है। इसको गलती से भी आपने चेहरे पर इस्तेमाल नहीं करना। चेहरे के इस्तेमाल के लिए और भी बहुत सारी रेमेडीज मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों का दिल करे तो चैनल को विजिट लाजमी करें। अभी हम इसमें एक और इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। हनी अच्छे तरीके से बेसन और सिरके के साथ मिक्स हो जाए और बेसन में भी कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। तो देखें, बहुत ही स्मूथ सी कंसिस्टेंसी हमारे पास रेडी हो गई है। अब जो लास्ट इंग्रेडिएंट इसमें हमने ऐड करना है वो करना है मीठा सोडा। मीठा सोडा आपके स्किन के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। ये वो वाला मीठा सोडा है जो चनों को गलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर एक चुटकी के करीब मैंने मीठा सोडा ऐड कर दिया है। जब हम इसमें मीठा सोडा ऐड करेंगे तो ये थोड़ा सा फूल जाएगा। तो ये एक किस्म की आपके घर में बहुत अच्छे वाली ब्लीच बनके तैयार हो गई है। जो हम बाज़ार से लेते हैं ना ब्लीच, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी ये ब्लीच बनके रेडी हुई है। तो इसके रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग मिलने वाले हैं। बस आपकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। जितनी अच्छी चीज़ें मिक्स होंगी उतने अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अब ये लगने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको बताती हूँ लगाना कैसे है, कितनी देर के लिए लगाना है और किस तरीके से आपने इसे अप्लाई करना है। चलिए जी देख लेते हैं। इसको लगाने से पहले आपके हाथ और पांव अच्छे से वॉश होने चाहिए किसी भी हैंड वॉश की हेल्प से। उसके बाद आपने ड्राई कर लेने हैं और फिर इसको अप्लाई करना है। अच्छा, इसको आपने इसी तरह से फिंगर्स की हेल्प से अप्लाई करना है, किसी ब्रश का आपने यूज़ नहीं करना। बहुत जेंटली से इसको आपने अप्लाई करना है। पहले आपने इसकी एक बहुत थिन सी लेयर, बहुत पतली सी बारीक सी लेयर आपने अप्लाई कर लेनी है ताकि ये आपके पूरे हाथ पर अच्छे से लग जाए। उसके बाद आपने 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से इसकी सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है ताकि मीठा सोडा भी अपना वर्क करे, बेसन आपकी क्लींजिंग करेगा और सिरका जो है वो उसने मीठे सोडे को एक्टिवेट किया है, तो मीठा सोडा भी बहुत अच्छे से अपना वर्क करेगा। ये ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर भी आपका काम करे। और इसको अप्लाई करने के बाद आपको किसी सैलून जाने की ज़रूरत नहीं रहने वाली। इसके बाद 15 से 20 मिनट आपने नॉन स्टॉप इसकी मसाज कर लेनी है और उसके बाद जो है आपने इसे
15 मिनट के लिए लाजमी, 15 मिनट नहीं तो 10 मिनट के लिए तो लाजमी आपने इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। 20 मिनट पहले अच्छे से मसाज करनी है, उसके बाद 10 मिनट के लिए आपने इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद आपने इसको प्लेन वाटर के साथ वॉश कर लेना है, सादे पानी के साथ आपने इसे धो लेना है। ईद पर आप इसे लाजमी ट्राई करें। बड़ी ईद पर वैसे भी बहुत ज़्यादा काम होता है, जो हमने हांडियाँ बनानी हैं, जो बर्तन वॉश करने हैं, जितनी हांडियाँ बनेगी उतने बाद में खाने के बर्तन भी वॉश करने हैं, तो अगर आप इस तरह से करेंगे अपने हैंड्स और फीट की केयर तो बहुत अच्छे आपके हाथ पांव दिखेंगे। जब आपका फेस रेडी हुआ, फेस पे मेकअप हुआ हो तो आपके हाथ पांव का कलर और हो तो वो बहुत अजीब सा लगता है। तो हाथ और पांव भी आपके इस तरह से चमकने चाहिए जिस तरह से मैंने रेमेडी बताई है। आपने इसको लाजमी से ट्राई करना है, देखें कितने मेरे हैंड ब्राइट हो गए हैं और कितने सॉफ्ट हो गए हैं। तो आई होप कि आज की रेमेडी आपको अच्छी लगी होगी। रेमेडी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें, चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।